आज हम इस पाठ को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में थोड़ा मजेदार तरीके से समझेंगे। पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत, लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। अगर आप इस पाठ को थोड़ा अलग ढंग से समझना चाहते हैं, मजेदार तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। बच्चों, इस पाठ में बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व को ही उभारा है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, तो उसी के बारे में ही लेखक ने इस पाठ में जिक्र किया है। इस पूरे पाठ में राम वृक्ष बेनीपुरी ने, यानी लेखक ने, बाल गोविंद भगत का ओढ़ना पहनना कैसा था ये बताया है, खाना पीना कैसा था ये बताया है, रहना सहना कैसा था यानी कहां रहते थे, किस तरीके से रहते थे, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनका परिवार में, उनके परिवार में कौन कौन था, ये सारी चीजों के बारे में वर्णन करते हुए उनकी मृत्यु कैसे हुई, ये सारी बातें इस पूरे पाठ में बताई हैं। सबसे पहले पाठ में बाल गोविंद भगत की वेशभूषा के बारे में वर्णन है कि वेशभूषा उनकी कैसी थी। उनकी कमर पर लंगोटी होती थी एक, और कनफटी टोपी पहनते थे वो। माथे पर रामानंदी चंदन लगाते थे, रामानंदी चंदन होता है जैसा आप देख रहे हैं, गले में माला पहनते थे, और खेतीबाड़ी करने वाले बिल्कुल गृहस्थ आदमी थे। अब ये गृहस्थ क्या होता है? गृहस्थ का मतलब होता है जो परिवार में रहता है, परिवार का पालन पोषण करता है, कमाता है, खाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत होता है साधु, यानी सन्यासी। सन्यासी कह लो, साधु कह लो। तो बाल गोविंद भगत बेशक गृहस्थ आदमी थे, यानी परिवार के साथ ही रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, कमाते थे, खाते थे, सब कुछ वैसा ही करते थे जैसे एक गृहस्थ आदमी करता है। लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल साधुओं जैसा था। अब ये साधुओं के गुण कौन से होते हैं? साधुओं के गुण होते हैं जो परिवार में नहीं रहते, परिवार से अलग एकांत में जाकर रहते हैं, मतलब अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। उनके परिवार में कोई मर रहा है, जी रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं होता उनको। वो अपना अलग रहते हैं, एकांत में जाकर अपने भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं, भजन को गाते रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं भगवान की भक्ति करने में। जब खाने पीने का टाइम हुआ तो वो भिक्षा मांगकर खा लेते हैं। तो और भी इस तरीके के कई गुण हैं जो आप जानते ही हैं कि साधुओं या सन्यासियों में क्या क्या गुण होते हैं। तो इस तरीके के गुण साधुओं में होते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो बिल्कुल गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी गृहस्थ होने के बावजूद भी उनका व्यवहार बिल्कुल साधुओं जैसा था। ऐसा क्या था उनमें, उसी के बारे में अब देखो सुनो कि साधु कभी झूठ नहीं बोलते। जो सच्चे साधु होते हैं, सच्चे सन्यासी होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो बाल गोविंद भगत भी कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी थे, यानी वो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, और तो और किसी की चीज को बिना पूछे छूते नहीं थे, यानी बहुत बढ़िया तरीके से साधुओं के गुण के अंदर समाये हुए थे। और तो और कोई बात अगर उन्हें बोलनी है तो वो स्पष्ट रूप से बोल देते थे, साफ कह देते थे, बिना झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी धोखे के स्पष्ट रूप से कहते थे। और हाँ, बाल गोविंद भगत कबीर दास को साहब मानते थे। साहब मतलब भगवान। कबीर दास को ही उन्होंने भगवान मान लिया था कि वो मेरे भगवान हैं, और उन्हीं के गीतों को गाते थे, यानी गीतों का मतलब उन्हीं के भजनों को वो गाते थे, हमेशा ही उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। जैसा जैसा उन्होंने अपने जीवन में अपनाया है, बताया है, वैसा वैसा वो फॉलो करते थे बाल गोविंद भगत, यानी उन्हीं को ही रोल मॉडल, उन्हीं को ही भगवान मान लिया था उन्होंने। और तो और जब उनके यहां फसल होती थी, किनके, बाल गोविंद भगत के खेत थे जो, वहां पर वो काम करते थे, उससे फसल भी उत्पन्न करते थे। जितनी भी फसल उनके यहां उत्पन्न हो जाती थी वो सारी की सारी कबीर दास के मंदिर में ले जाते थे, कबीर के मंदिर में ले जाते थे और वहां पर चढ़ा देते थे कि ये तुम्हारा है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और वहां से, मंदिर से ही प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता, मतलब मान लो उसका 10%, उसका 20%, जो भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिला है, उसी से वो पूरा साल अपना गुजर बसर करते, यानी उन्हीं को उस प्रसाद से ही अपना गुजारा करते थे। बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलिए बच्चों, अभी मैंने बाल गोविंद भगत के बारे में बताया कि वो गीत गाते थे, भजनों को गाते थे। अब पाठ में आगे इसी के बारे में ही लिखा गया है कि उनका गला इतना सुरीला था कि लेखक इसी के प्रति इतना ज्यादा आकर्षित थे, यानी उनके गले के प्रति, उनके आवाज के प्रति, उनके उनकी जो सुरीली आवाज थी वो सबको आकर्षित कर लेती थी, उससे लेखक भी अछूता नहीं रहा। लेखक का नाम अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उनके जो ये सुरीले गीत हुआ करते थे वो बहुत ही आकर्षित करने वाले होते थे, लेखक दांतों तले उंगली दबा देता है, इतना हैरान हो जाता है। खास तौर पर उनका डेली रूटीन्स, उनका जो डेली रूटीन्स हुआ करता था अलग अलग महीनों के हिसाब से, वो तो और भी ज्यादा हैरानीजनक था। उसी के बारे में आगे लिखा हुआ है, देखो, आषाढ़ का जब महीना आता था, आषाढ़ का महीने में अपने खेतों में वो रोपनी करते हुए भजन ही गा रहे होते थे। रोपना मतलब पौधे को उगाना, पौधे को लगाना, बीज डालना एक तरह से, तो वो बिजाई कर रहे होते थे, रोपनी कर रहे होते थे, तो वो धान के एक एक पौधे को
एक लाइन से लगाते हुए चल रहे होते थे, क्योंकि वो एक तरीका है खेती करने का, तो वो लाइन से लगाते हुए उनका ध्यान वहां पर भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ध्यान वो अपनी भक्ति में ही लीन है, भगवान की भक्ति में ही लीन है। आषाढ़ के महीने की बात चल रही थी, आषाढ़ का महीना होता है जून जुलाई का, जून जुलाई का जो महीना होता है वो आषाढ़ का ही महीना होता है। आसपास के जो लोग होते थे, यानी खेतों में ही आसपास के जो लोग होते थे, किसान कह सकते उनको और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे और भी बहुत से लोग, वो भी बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर मस्त हो जाते थे, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते थे, वो भी उनके गीतों को सुनना पसंद करते थे। भादो का महीना, भाद्रपद कह सकते हो इसको, भादो कह सकते हो, बात एक ही है, जो अगस्त और सितंबर का माह होता है, महीना होता है, इस दिन, इन दिनों में मूसलाधार बरसात हो रही होती थी। मूसलाधार बरसात के दौरान भी और उसके बाद भी, मूसलाधार बरसात के दौरान भी और उसके बाद भी, उनके सुरीले जो कंठ से मधुर ध्वनि हमेशा ही निकलती ही रहती थी, हमेशा ही, चाहे फिर आधी रात ही क्यों ना हो, आधी रात को जब सब लोग सो जाते थे तब भी उनका संगीत जाग रहा होता था, यानी हमेशा ही भक्ति में लीन रहते थे, कहने का मतलब ये था। और बच्चों, आपकी क्लास से रिलेटेड जो व्याकरण है उसको ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगी, आप देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के एंड में देख लेना। अब आप एक सबूत दीजिए कि आप बड़ा ध्यान से सुनते हैं, बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी। कार्तिक मास कौन सा होता है, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है वो कार्तिक मास होता है, कार्तिक भी कह देते हैं इसे। इस टाइम लगभग सर्दियां शुरुआत हो जाती है, सर्दियां शुरू हो जाती हैं, ठीक है, सर्दियां आ जाती हैं। इस टाइम वो सुबह सुबह प्रभातियां करते हैं, प्रभातियां शुरू हो जाती है इनकी, इनकी बाल गोविंद भगत की। अब ये प्रभातियां क्या होती है, प्रभातियां मतलब होता है सुबह सुबह जब कई लोग मिलकर भगवान की भक्ति के लिए ही भजन कीर्तन करते हुए गाते हैं, गलियों से गुजरते हैं, सुबह सुबह का काम होता है ये, सुबह सुबह का ही समय में ऐसा किया जाता है, 4-5 बजे के करीब, तो सुबह सुबह ये प्रभातियां निकलती हैं जो फागुन मास तक चलती हैं। फागुन मास कौन सा होता है, फागुन मास होता है फरवरी और मार्च का महीना, ये फरवरी और मार्च का महीने तक ही ये प्रभातियां चलती थी। प्रभातियां का मतलब यही है कि सुबह सुबह ठंड में, वो भी ठंड में, उनके गीत तब भी सुनाई देते थे और उतनी ही मस्ती के साथ। अब आपको और ज्यादा हैरानी होगी जब आप ये जानेंगे कि इतनी ठंड के समय में भी वो हर रोज की तरह सुबह सुबह ही नदी स्नान करने जाते थे, जो उनके घर से 2 मील दूर थी, 2 मील दूर वो नदी स्नान के लिए जाते थे, तो वो सर्दियों में उस ठंडे पानी से ही 2 मील दूर जाकर स्नान करते थे और वापस घर पर आते थे और फिर प्रभातियों के लिए तैयार होते थे, यानी प्रभातियां शुरू कर देते थे। और बच्चों, आपको आज के वीडियो से संबंधित कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। उनका जो नाच गाना होता था वो उस भगवान के प्रति ही चलता रहता था, हमेशा उनके साथ साथ सारा वातावरण ही नाच गा रहा होता था, यानी बाल गोविंद भगत तो नाच गा रहे हैं लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं सुन रहे हैं उन्हें, वो भी नाच गा रहे होते थे, उनमें मस्त हो जाते थे। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इकलौते बेटे की मृत्यु। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो गृहस्थ आदमी थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, उनके परिवार में उनकी पत्नी की तो लेखक को याद नहीं है कि कहां थी और क्या कैसी अवस्था में थी भी या नहीं थी, उन लेखक को नहीं पता, लेकिन उनका एक बेटा था जो लेखक को याद है। लेखक बताते हैं कि उनका एक बेटा था और उनकी एक पुत्रवधु यानी कि बेटे की पत्नी भी थी, तो वो ये दो लोग उनके साथ रहते थे। लेकिन बेटा कैसा था, बेटा था सुस्त बोधा सा था, यानी उसमें ज्यादा, यानी कह सकते हो कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं था, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो वो बोधा सा ही था, ज्यादा समझ नहीं थी उसमें। लेकिन बाल गोविंद उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनका मानना था कि ऐसे लोगों के साथ ज्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये इस मोहब्बत के, इस प्यार के ज्यादा हकदार होते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो बेटा बीमार हो गया, बहुत इलाज करने पर भी, बहुत प्रयास करने पर भी वो बच नहीं पाया, उसकी मौत हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में वो, उनको क्या करना चाहिए था, उन्हें रोना चाहिए था ऑब्वियसली, जैसा कि पुत्रवधू भी कर रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत रो नहीं रहे, बाल गोविंद भगत खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्यों? उनको विश्वास था इस बात का, किस बात का, कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, बेटे की जो मौत हुई है उसकी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ जाकर मिल गई है, यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, तो ये तो खुशियां मनाने का अवसर है, क्योंकि आदमी को एक ना एक दिन तो जाना है ना, भगवान से आत्मा बिछड़ कर आती है इस मृतलोक में या इस संसार में, कह सकते हो इस संसार में आत्मा परमात्मा से बिछड़ कर आती है, और आज तो वो वापिस उसी परमात्मा से जाकर मिल गई, तो ये तो खुशियां मनाने का अवसर है। तो ये कोई पागलपन नहीं था उनका, ये उनका विश्वास बोल रहा था कि आज बड़ा खुशियां मनाने का अवसर था, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। बल्कि बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधु को भी यही कह रहे हैं कि रोने का दिन नहीं है ये, तुम भी उत्सव मनाओ, खुशियां मनाओ। लेकिन आदमी के जाने का दुख तो होता ही है, हर कोई तो ये बात समझ नहीं सकता जैसा बाल गोविंद भगत समझ रहे थे या जान रहे थे या जितना उनको विश्वास था, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो थोड़े दिन बीत जाने पर बेटे की पत्नी यानी
पुत्रवधू कह सकते हो उसको, बाल गोविंद भगत की जो पुत्रवधू थी वो अब उसके भाई के साथ विदा कर दी कि तू अपने भाई के साथ चली जा, और भाई को समझा दिया कि अब इसकी दूसरी शादी कर दे। हालांकि उस टाइम पर विधवा का विवाह करना उचित नहीं माना जाता था, समाज इसकी परमिशन नहीं देता था, समाज इसको ताने देता था बल्कि, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसी पुरानी परंपराओं को जो बेकार हैं ऐसी परंपराओं को नहीं मानते थे। उन्होंने उसके भाई को बुलाया और उसके साथ विदा कर दिया, लेकिन लेकिन पुत्रवधू जो थी वो जाने को तैयार नहीं थी। क्यों नहीं जाने को तैयार थी? उनका मानना था, पुत्रवधू का मानना था कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बाल गोविंद भगत कभी बीमार भी हो जाएंगे तो उनकी जो सेवा करने का टाइम होगा उस टाइम कोई भी नहीं होगा इनके आसपास, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनके साथ ही रहूं हमेशा के लिए और इनकी देखभाल करूं यहीं पर रहकर। लेकिन बाल गोविंद भगत कहते हैं कि नहीं, या तो तू चली जा इस घर से या फिर मैं चला जाता हूं। तो बेचारी मजबूरी वश, उसकी क्या चलती, वो मजबूरी वश उसको अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ उसे जाना पड़ा। और बेचारी वो करती भी क्या, लेकिन बाल गोविंद भगत अपना ध्यान वो खुद ही रख रहे हैं, वो हमेशा ही अपने ऊपर ही निर्भर रहे हैं, हमेशा ही अपना काम वो स्वयं करते हैं, उनके डेली रूटीन्स जो हैं उनको वो बड़ी स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से उसका निर्वाह करते हैं, उसी का पालन करते हैं हमेशा ही, चाहे कुछ सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। और हाँ बच्चों, एक और बात कि इसी पाठ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए या फिर MCQs चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले अभी पाठ देख लीजिए, पाठ खत्म नहीं हुआ है। पाठ के एंड में बाल गोविंद भगत की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में वर्णन है। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए जाते थे, हर साल गंगा स्नान के लिए जरूर जाते थे, और उनके घर से 30 कोस पर थी वो गंगा, हर साल जाया करते थे और पैदल जाया करते थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई व्हीकल था, पैदल ही जाना और पैदल ही वापस आना। एक बार यानी इस बार जब वो गए तो आने के बाद वो बीमार हो गए, लेकिन नियमों को फॉलो जरूर करते थे, चाहे कितने ही बीमार हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, नियमों को फॉलो करना जरूर उन्होंने, ये उनका एक कह सकते हो व्रत था कि नियमों को नहीं तोड़ना। तो अच्छा, कई बच्चे इस पाठ को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते होंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा, ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं। अच्छा, पहले एक बार आगे सुन लीजिए कि बाल गोविंद भगत नियमों को फॉलो करते थे। नियम किस तरीके के, कि जैसे नदी स्नान के लिए जाना हर रोज, उसी तरीके से खेती बाड़ी में का काम करना, इसी तरह की और जो उनकी दिनचर्या थी वो सारे नियमों को फॉलो करते थे चाहे वो कितने ही बीमार हो। एक दिन ऐसा हुआ कि वो हर रोज की तरह जैसे वो गीत गाते हैं वो वैसा ही गीत गा रहे थे, लेकिन लोग जब सुन रहे थे तो उनको महसूस हो रहा था कि आज वो वाली मस्ती नहीं है जो हर रोज होती है। अगले दिन लोगों ने गीत सुने ही नहीं, आवाज ही नहीं आई, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का पंजर पड़ा था, यानी उनका निर्जीव शरीर पड़ा था, वो मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। बच्चों, एक नदी के बारे में बताया था मैंने, नदी उनके घर से कितनी दूरी पर थी, अगर ध्यान से सुन पा रहे थे तो जवाब जरूर दो। तो बच्चों, ये था बाल गोविंद भगत की शुरुआत से लेकर उनकी मृत्यु तक का सफर। लेखक ने बाल गोविंद भगत के चरित्र को ही उभारा है इस पूरे पाठ में। बाकी इस पाठ के हर तरह के प्रश्न और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अगर चाहते हो तो वो मैं बता ही चुका हूं, और आपको अगर मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। अब इतनी देर तक रुके ही हो तो आपको एक छोटी सी ट्रिक और बताता हूं कि आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी पाठ, कविता या व्याकरण का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नेम लिखें और साथ ही हिंदी अध्यापक भी लिख दें, ये दोनों चीजें एक साथ लिखकर यूट्यूब पर अगर आप सर्च करोगे तो आप पाएंगे कि आपको वो वीडियो सबसे ऊपर मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार ट्राई करके देखिए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।